नमस्कार, मैं सोनाली न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। धन्यवाद। मढ़ में और यहाँ पर जो मछली बस सोसाइटी है, जो यहाँ पर मच्छी पकड़ते हैं, ये कोली लोग रहते हैं जो कि समंदर के किनारे रहते हैं। अक्सर ये लोग जो समंदर के किनारे रहते हैं और बम्बई के स्थानीय लोग हैं ये लोग, और इनको जो तूफान आया था उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी नाव टूट चुकी हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। और इसकी भरपाई कौन करेगा आखिरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। लाखों की ये नाव रहती है, कोई 25 लाख की, कोई 50 लाख की, इस तरीके की नाव रहती है। और इस वक्त भंगार के भाव हो चुके हैं, ये अगर भंगार में बेची जाएंगी तो बहुत नॉर्मल 20-30 हज़ार रुपये मिलेगा। अब इनका 25-50 लाख का ये नाव है, किस तरीके से ये नाव खरीदेंगे, क्योंकि एक छोटा सा, एक तो कोविड के चलते हुए इतनी परेशानी चल रही थी, ऊपर से एक तूफान आया उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है। कम से कम 50 या 80 के करीब नाव यहाँ पर जो थी वो डैमेज हो चुकी है। किसी का कोई पूरी इसी तरीके से टूट चुकी है, किसी में होल हो चुका है, किसी में छेद हो चुका है, कुछ रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका कुछ भी नहीं किया कर सकते। और बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोग, जब हम यहाँ पर आए तो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, आखिरकार उनको किस तरीके से आगे कैसा चलेगा, किस तरीके, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, वो मछली पकड़ते हैं और उनके जो घर में लोग औरतें लोग रहती हैं वो मछली मार्केट में ले जाके बेचती हैं, यही उनका बिजनेस है। अब उनका पूरा बिजनेस ठप हो चुका है और आखिरकार उनके पास अब कुछ नहीं बचे। चेयरमैन है वो मौजूद हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, आपकी काफ़ी नाव का नुकसान हुआ है, कम से कम 80 नाव का नुकसान हुआ है। ये नाव कितने की रहती हैं बताइए थोड़ा। देखो, ये जो आपके सामने जो नाव पड़ी है जो पूरी टूटी फूटी है, ये कम से कम फिर से बनाने के लिए जाली के साथ कम से कम 25-30 लाख रुपए लगेंगे इसको। और आज इसका इंश्योरेंस है ना ओनली 1 लाख रुपए का है, और 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए मिलने के बाद ये क्या कर सकेंगे, इनका धंधा तो तैयार नहीं हो सकता। 25-30 लाख की पूरे साधन सामग्री के, इसका पूरा जाली बिली जो इक्विपमेंट है पूरा नष्ट हो गया है, तो अभी इसको फिर से तैयार करने के लिए 30 लाख रुपये लगेंगे, तो ये कैपेबिलिटी अभी नहीं है। पहले हमारा बिजनेस में मतलब जो मछुआरा रहता है वो पहले ऐसे छोटी बोट नाव करता है, ऐसे छोटी नाव के बाद कुछ कमाई होती है तो फिर एक बड़ी नाव बनाता है, उसके फिर बाद बड़ी नाव बनाता है, ऐसे 15-20 साल के बाद ये नाव बनाते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता 20 साल की मेहनत के बाद इतना ये खड़ा करते हैं। तो ये खड़ा करने के बाद एक झटके में ये टूट जाए तो वापस उसको इतना ही लाने के लिए 25-30 साल मतलब 20 साल लगेंगे। ये सब कह सकते हैं कि अपने बच्चे की तरह पाल के ये बड़ा होता है और फिर उसके बाद ऐसा बस इस तरह से होता है। तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार का धोरण ही नहीं है कि इन लोगों को किस तरह से, ऐसा अगर किसी का पूरा धंधा ही नष्ट हो जाए तो उसको फिर से खड़ा होने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए कुछ तो शासन का धोरण होना चाहिए, कुछ तो जो गवर्नमेंट है उसने उसको खड़ा करके देना चाहिए। ऐसा कुछ भी धोरण सरकार के पास नहीं है, सरकार डिपेंड ऑनली है वो इंश्योरेंस पे, कि आपका इंश्योरेंस है, हमने आपको लाइसेंस दिया, इंश्योरेंस कितना मिल रहा है 1 लाख रुपया, बोट है 25 लाख की, तो इंश्योरेंस 1 लाख का क्यों, तो वो कैपेबिलिटी नहीं है फिशरमैन के पास कि उतना इंश्योरेंस का साल भर का प्रीमियम भर सके। तो ये बात समझनी चाहिए सरकार ने कि वो क्यों नहीं भर सकते हैं, तो वो भरने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर उसका 75% हिस्सा भी उठा ले, 25% फिशरमैन भरे, तो अगर ऐसे घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको दे दे, वो फिर से खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ये सिचुएशन में अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी इन लोग का नुकसान हो गया है, अभी इनको खड़ा करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हम ये सोच रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और इतने सालों से ये गवर्नमेंट इतने चल के आ रही है और इतने फिशरीज डिपार्टमेंट है, तो ये संशोधन नहीं कर सकते हैं कि आगे चल के इन मछुआरों को कैसे सेफ किया जाए। ये जो किनारे हैं ये किनारे सेफ करने चाहिए, कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आने दो, उसको अगर ब्रेक वाटर, अगर हर कोलीवाड़ा में ऐसी 200-400 नाव अगर खड़ी रहती हैं तो वो नाव तूफान वो किनारा ऐसा सेफ बनाना चाहिए ब्रेक वाटर डाल के, कि कितना भी तूफान आ जाए एक बार नाव सब बीच समुंदर से अंदर वो आ जाए किनारे पे, तो कितना भी बड़ा तूफान हो वो सेफ रह जाए, उसका नुकसान। आप कहना चाहते हैं कि सरकार डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देती जिस तरीके से ध्यान, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जैसे फार्मर हैं तो वो जैसे अनाज देते हैं उगा के, लोगों को खाना देते हैं, पूरे देश को खाना देते हैं, वैसे हमारा इसमें 50% हिस्सा पड़ता है इनलैंड फिशिंग और मरीन फिशिंग में।
50% हम लोग भी खाना देते हैं मच्छी के तौर पे, और कम से कम 6% तो फॉरेन एक्सचेंज देते हैं। ये मच्छी जो एक्सपोर्ट होती है उससे फॉरेन एक्सचेंज अपने देश को मिलता है। इतना सब मिलने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट मछुआरों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो ये मतलब शर्म की बात है। हाँ, यहाँ पर पालक मंत्री असलम शेख जी भी आए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी देखो, जैसे असलम साहब हैं, हम लोग 10 साल से उनको एज ए MLA उनको देख रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट का काम किया है, मछुआरों को जो जेट्टी वगैरह चाहिए वो बनाने का काम किया है। अभी उन पे ज़्यादा अपेक्षा है हमारी कि आप हमारे 10 साल MLA रह गए, अभी ये मत्स्य मंत्री होने के बाद ये घटना हुई है, तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है और हम आप पे अपेक्षा ज़्यादा करेंगे कि आप इन मछुआरों को फिर से खड़ा करने के लिए किस तरह का प्रावधान का सरकारी मदद इनको दिलाई जाए ताकि ये पूरा अपना धंधा खड़ा कर सके। ये हम उन पे अपेक्षा अभी उन पे ही नज़रें टिकी हुई है कि वो खुद यहाँ के स्थानिक MLA हैं, स्थानिक मत्स्य उसे मंत्री बन गए हैं हमारे, मतलब, और वो कहते भी हैं, आने के बाद कहते हैं कि मढ़ विभाग से मुझे ज़्यादा वोट मिलने के बाद मैं मंत्री बना हूँ वगैरह। तो अगर हमारी सबकी नज़रें उन पे हैं कि वो कौन सा कायदा लाते हैं, कौन सा क्या प्रावधान लाते हैं, और ये जो मढ़ की 40 बोट जो पूरी नॉन रिपेयरेबल है कि उनको रिपेयर करके अपन वापस बोट में नहीं भेज सकते हैं, तो वो वापस खड़े करने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान हुआ है, लाखों की जो नाव रहती थी 25-30 लाख की, अब वो सिर्फ 20-30 हज़ार की रह गई, क्योंकि अभी वो बंगाल, क्या कहना चाहते नहीं, वो अभी तो 20-30 हज़ार की भी नहीं रही है। मैं तो ये कहूँगा कि राज्य सरकार नैतिक जवाबदारी स्वीकारे। हम ये भी माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि शिवसेना ये कोकण से है, मुंबई से बोलेंगे या कोकण से पालघर बोलेंगे, सब जगह देखेंगे तो 80% मछुआरे ये शिवसेना के साथ है। अभी ऐसा होते हुए हमारे ऊपर अनेक संकट आ गए, कोई भी सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं रही है। मैं चाहूँगा कि आज जो राष्ट्रीय आपत्तन व्यवस्थापन समिति की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या डिसीजन हुआ हमको पता नहीं। अगर आप आजम खान के ज़माने के कानून निकालोगे तो जो निसर्ग तूफान में जो हुआ कि सब गए वहाँ, शरद चंद्र पवार साहब गए, मुख्यमंत्री गए, फिशरी मिश्र सब गए, लेकिन मदद क्या मिली उनको, जिनकी 25-40 लाख की बोट गई है उनको 2500 रुपये 5000 रुपये दिया। अगर ऐसी सरकार हमको मदद देना चाहती है तो हमको मदद नहीं चाहिए सरकार से। मदद देनी है तो जैसे फयान वादन में तूफान हुआ था रत्नागिरी में उसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, अपने इधर भी एक नाव डूबी थी, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जयंत पाटिल साहब थे, जो आज राष्ट्रवादी के प्रदेश अध्यक्ष है और जल संपदा मंत्री है, उन्होंने उस वक्त 100 करोड़ रुपए दे के पुनर्वसन मछुआरों को किया था। तो अभी करीबन 500 करोड़ का नुकसान है, तो मैं चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट 250 करोड़ रुपया फाइनेंस करे फिशरी डिपार्टमेंट को, हमारे मछुआरों को, और 250 करोड़ रुपया सेंटर से मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश करे। इसकी अगर सिफारिश करेंगे तो हमारे बहुत से MP है, जैसे राहुल शेवाली साहब है, गोपाल सेट्टी साहब है, अरविंद सावंत साहब है, ये हमको हेल्प करेंगे वहाँ, वो लड़ेंगे सेंटर में भी, लेकिन ये दिल से अगर करेंगे तो होएगा, अगर नहीं करेंगे खाली खाली प्रेस में मीडिया में आके बताओगे, हमारे साथ आओगे फोटो निकालोगे और लास्ट में कुछ नहीं दोगे तो इसका मतलब नहीं रहेगा। फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा, फिर हम रुकेंगे नहीं। फिर मैं जिस पार्टी से हूँ, मेरा पार्टी का सरकार है, लेकिन अगर मेरा पार्टी मेरे समाज के ऊपर अन्याय करता है तो मुझे लड़ना पड़ेगा, रस्से पे उतरना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो 500 करोड़ का नुकसान हुआ है उसमें 250 करोड़ रुपया पहला सरकार डिक्लेयर करे मछुआरे के पुनर्वसन के लिए, यही मैं चाहता हूँ। हमारे साथ थे, उन्होंने बताया, मैं खुद एक पार्टी से संबंध रखता हूँ, और लेकिन अगर मेरे समाज के आगे आएगा, क्योंकि समाज पहले है, क्योंकि समाज पे इस वक्त जो आप देख सकते हैं एक नाव है जो कि 25-30 लाख की नाव होती है और इस वक्त एक भंगार हो चुकी है, कबाड़ा हो चुकी है, क्योंकि इतना
बुरा हाल हो चुका है, अगर वो 20-30 हज़ार में भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये समझ लीजिए, ये नाव जो होती है इसमें जब एक छोटी सी नाव लेते हैं काफ़ी साल तक उस नाव से फिर कमाते हैं तो फिर बड़ी नाव लेते हैं और ये एक तरीके से बच्चे की तरह नाव के लिए आते हैं। नगर सेवक, आमदार, खासदार, जैसे कभी ट्रेन पलटी हो जाता है, कुछ हो जाता है तो आदमी मर जाते हैं तो डायरेक्ट घोषित कर देते हैं मतलब खुद के फंड से कि 5 लाख आप हर आदमी को दिया जाएगा। अभी इधर टोटल लॉस धंधा है, 3-3 समझो मंत्री आके चले गए लेकिन कोई ऐसा घोषित नहीं किया कि हमारे फंड में से हम इतना इसको दे देंगे, कभी ऐसा नहीं होता है। पहले भी ऐसा हो गया, गोपाल सिटी आके चला गया 2 बार, एक अपना इधर का बोट डूब गया था, पहले डूब गया वो लाया बनाया उसने वापस भेजा, वापस गया तो भी पूरा टोटल लॉस हो गया, उसको आश्वासन दिया लेकिन आज तक उसको कुछ नहीं मिला। ये मंत्री लोग का यही काम है बस, लोगों की शिकायत है। यहाँ पर MP MLA आते हैं, मंत्री लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और अपने फ़ोटो डालते हैं लेकिन हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हादसे हुए थे जो कि 25-30 लाख का उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था तो सिर्फ 5-10 हज़ार मिला था, तो इस तरीके से 5-10 हज़ार में क्या होगा, ये तो एक दान पुण्य हो जाता है, ये इतना इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इससे आंसू भी नहीं पहुँचने वाले। कम से कम एक 25 लाख का है तो कम से कम 20 लाख मिले, कोशिश कुछ तो देना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, क्योंकि ये खुद जो हमारे देश को काफ़ी कुछ कमा के देते हैं, इस इकनॉमी चलती है काफ़ी, क्योंकि ये मछुआरे जो हैं पूरे जो समुद्र के किनारे रहते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड पे काम करने के बाद ये कैसे ना कैसे करके मछली पकड़ते हैं और उसको जाके बाज़ार में सेल करते हैं और उसके बाद इनके 2 वक्त की रोटी मिलती है। मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन इरफान के साथ आप